कमली वाले दे गुलामा जब शाम नु कम तू थरे आ जाए अपने कमरे दे आईने दे सामने खलो जाया कर अखियां बंद करके सोचिया कर मैं बचपन च केड़े गुनाह करदा रहया मैं जवानी च केड़े गुनाह पिया करना मैं बड़े पे च केड़े गुनाह पिया करना सारी जिंदगी दे गुनाह याद करके अख खोल के आईना वे के तेरी शक्ल नहीं बदली फिर मोहम्मद दा मिलाद मनाया कर क्योंकि रब तेरे मुंह वल नहीं हो पिया वेखदा ते यार नु यार दा मुंह पिया मारदा दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया ए दूर दुनिया फिर उस नबी दा मिलाद मनावा तेरा दिल नहीं करदा तू पुछना मिलाद मनाना किथे लिखे तू ते थानेदार ते बंदा नहीं छुड़ा सकदा उन्हें रब को सारे छुड़ा लेने उन्हें रब तो सारे जो मेरे नबी दोज़खी चो गुनाहगारां नूं कढ के लियाउणा ना रब्बे काबा दी कसम है हदीस पाके च पढ़िया इज़रा उस वेले जेड़ा दरोगा ये दोज़ख है ना जिदा नाम हजरत मालिक है यानी दोज़ख दा फरिश्ता हजूर ने जो आखिरी दोज़खी नूं भी कढ के लै जाणा ना ते उन्हें कहना कमली वाले तुसां ते दोज़ख जोगा छड़िया ही कोई नहीं हाय हाय नाल शफात सरवर आलम छुट सी आलम सारा जदों मेरे नबी ने आना ना दोज़ख दे किनारे ते हजूर ने फरमाना तू तू भाई चक दी शमाली दी महफिल च मिलाद च आया सा उन्हें कहना जी या रसूल अल्लाह मैं नारे भी आ मारे सा ते मैं सुभान अल्लाह भी आख्या से हजूर ने इंज नहीं वैसे यह तो मेरी उंगली ना हजूर की होनी मैं बिला तमसील हजूर ने इंज इशारा करके कहना चल जन्नत तो तुम सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया जे हजूर ने इशारा करके कहना तू दरूशरी पढ़ता सा उन्हें अद कहनी जी जी यार रसूल अल्लाह मेरी अम्मी ने सिखाया से मैं दरूशरी पढ़ के सौंदा सा हजूर ने फरमाना चल जन्नत भाई तू उन्हें कहना जी यार रसूल अल्लाह मैं रोज़ तुहाडे ते दुरूद ओ सलाम पढ़ता यार रसूल अल्लाह मैं तुहाडा आशिक हजूर ने फरमाना चल जन्नत फकत इशारे से सबकी नजात होके रही तुम्हारे मुँह से जो निकली वो बात होके रही जो जो दिन को कह दिया शब तो दिन निकल जो शब को कह दिया दिन तो दिन निकल आया जो शब को कह दिया दिन तो दिन निकल आया जो दिन को कह दिया शब तो रात हो के रही कमली वाला गुनाहगारां नाल इन्ना प्यार करी जांदा है ते नेकां ने गुनाहगारां नूं फड़ फड़ के कहना यार एक दो गुना उधारा दे मैं भी मुहम्मद दी शफात लैणी एक दो गुना उधारा दे मैं भी मोहम्मद की शफात लेनी है यार लाल शफात सरवर आलम छोट सी आलम सारा हूँ कौन ऐसे वाली ने कोई दोज़खे च गुनाहगार रह नहीं देना अपने सारे गुलाम लेके जन्नत च जाना है असी उस नबी दा मिलाद ना मनाइए इने 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 करम मुस्तफा दे इने ये आंखों ते सुनावा थोड़ा जा हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए हाथ बिल्कुल नहीं चुकना मत किधरे को शहीद ना हो जाए चोरी सोहेल साहब को लंगर शंगर है
फिर क्यों नहीं बोलते? थोड़ा लंगर घरों भी खा के आया करो, है बंदा सुबह अल्लाह कह जोगा हो जाए, जेड़ा पले मुस्तफा दे लंगर ते ऊंचा बोली जावे सुभान अल्लाह। मेरा दिल करदा बाई चक दिया फिजामा सुभान अल्लाह पूरा साल गूंजदिया रहन, फरिश्ते झुक झुक के एक दूसरे नु कहन एथे नबी दा मिलाद हुंदा सुन्नी सुभान अल्लाह कह के जा दे। शाह जी किबला बनी इसराइल वाले यहूदी मछलियां पकड़दे सन, मछेरे सन। अल्लाह ने फरमाया कि हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी, छुट्टी कर ली। मुसलमानों अल्लाह ने जुमे का दिन दिता, यहूदियों हफ्ता ते ईसाइयों इतवार। अल्लाह ने फरमाया कि तुसा मछलियां नहीं पकड़नियां हफ्ते वाले दिन, छुट्टी करनी, हफ्ते के दिन का अदब ते इहतराम करना है। उधर मछलियां नूं हुक्म दिता कि तुसा दरिया च जाना ही हफ्ते वाले दिन। मुफ्ती अहमद यार खनेमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह इस मुकाम ते फरमाते ने ओ जिहड़ी मछली दे पेट च 40 दिन हजरत यूनुस अलैह सलाम रहे, हफ्ते वाले दिन मछलियां उस मछली दी ज़ियारत करन आउंदियां सन। अल्लाह ने फरमाया तुसा ए मछलियां नहीं पकड़नियां क्योंकि ए ज़ियारत लई आउंदियां ने। इस वास्ते असी चूरा शरीफ जाने आ, असी दाता साहब जाने आ, बाबा फरीद कोल जाने आ, क्योंकि सानू पता है वह बच जांदा जिहड़ा ज़ियारत लई जांदा है, जिहड़ा ज़ियारत लई जाए वह बच जांदा है। मछलियां उस मछली की जियारत ले आउंदियां क्योंकि उसके पेट च 40 दिन रब दा नबी यूनुस रहे। सच्ची दस्यो बलवाल वाले हो, वो जड़ी मछली दे पेट च 40 दिन यूनुस नबी रवे, मछलियां उसकी जियारत ले आउंदियां ने। ते जड़ी मां दे शिकम च 9 महीने कमली वाला वस के आया हो, फरिश्ते उस मां की जियारत ले नहीं आउंदे होणगे। अल्लाह फरमाया आ मछलियां नहीं पकड़नियां क्योंकि जियारत ले आउंदियां। यहूदी जद गए ना दरिया के किनारे ते मछलियां पानी च मुंह कढ के दिखांदियां ते मछेरियां दा दिल डोल दे कि इनिया मछलियां पकड़नियां भी नहीं। नौजवान यहूदी बुजुर्गों को बैठ के तो आख्या को मशवरा दियो, मछलियां इतनी आंदिया ने पकड़नियां भी नहीं, को मशवरा दियो। बुजुर्ग आख्या कि तुम छोटिया छोटिया दरिया चो नालियां बना के घर तक ले आओ, अपने घर च हाउस बना लो, टैंकियां बना लो, हफ्ते वाले दिन मछलियां दरिया चो नालियां के जरिए टैंकियां तक आवन गियां, टैंकियां भर जावन गियां, तो इतवार को पकड़ लिया। बेऐन ही इस तरह होया, उन्हें नालियां बना के मछलियां कट्ठियां कर लिया। यहूदी बड़े राजी के हफ्ते का अदब भी हो गया, मछलियां कट्ठियां भी कर लिया, इतवार नूं पकड़ भी लवेंगे। मगर जो ही इतवार का दिन तलू होया ना, वो जेडे रब दे हुक्म नाल मछलियां इधर आईया सन, उसे रब दे हुक्म नाल ओ वापस जा रही है। अल्लाह की कुदरत नूं जलाल आ गया कि ना मेरी हुक्म अदूली कीती, ना मेरी गल नहीं मनी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कोनो की रब्बत खासी, परवरदिगार ने फरमा पंदर बन जाओ, यहूदियां दी शक्लां भी गड़ गईयां, नौजवानों कुछ पंदर बन गए, कुछ खिलजीर बन गए। अल्लाह ने उन्हां दी शक्लां बदल दित्तियां, कमली वाले दे गुलामां जद शाम नूं कम्म तो थर आ जाए, अपने कमरे दे आईने दे सामने खलो जाया कर, अखियां बंद करके सोचिया कर, मैं बचपन च केड़े गुनाह करदा रहा, मैं जवानी च केड़े गुनाह पिया करना, मैं बड़े बिच केड़े गुनाह पिया करना, सारी जिंदगी दे गुनाह याद करके अख खोल के आईना वेख के तेरी शक्ल नहीं बदली, फिर मुहम्मद दा मिलाद मनाया कर, क्योंकि रब तेरे मुंह वल नहीं हो पिया वेखदा, इत्थे यार नूं यार दा मुंह पिया मारदा। चूरे वाले बाबे करांदे नूं मैं कराना हुण रल के पड़े जे अल्लाह हो 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 आमीन आमीन आमीन। एक गुनाह किया मछलियां पकड़ लई, अल्लाह ने बंदर बना दिया, वो केड़ा गुनाह है जेड़ा उन्हां कीता ते असी नहीं कर रहे, वो केड़ी नेकी है जिहड़ी असी कर रहे थे उन्होंने कीती, पर शक्ल नहीं बदलदी। दुध च पानी एक कौम पाई जा रही, शराबां पीती जा रही, सूद खाधी जा रही, जिना करी जा रही, माशाल्लाह, पर शक्ल नहीं बदलदी। मिलाद मना नबी दा, उस नबी दा मिलाद मनाया कर जिहड़ा नबी इन्ने गुनाहों के बावजूद तेरी शक्ल नहीं बदल दे रही। पढ़ा
नबी पाक मक्के दी गली च जा रहे थे, अबू जाल मिलया ते अबू जाल कहन लगा नबी है, फरमाया जी, कहन लगा सच्चा, फरमाया सच्चा। अबू जाल इतना बदबخت इंसान सी ना, ए नौजवान सी मगर वडेरे च बैठदा सी, जेड़े वड्डे वड्डे मक्के दे चौधरी उन च बैठदा सी ते गलत मशवरे देंदा सी, ते ओ कहंदे सन अबू हकीम ए बड़ा सयाना है, ए अकलमंद दे हिकमत दा बाप है। पर अल्लाह ने फरमाया नहीं, ए अबू हकीम नहीं, ए अबू जहल है, ए जहालत ते जहल दा बाप है। आखिया क्यों? फरमाया जिन्नू यार दी समझ ही ना आवे जहल है, जिन्हों मेरे कमली वाले की समझ ना आवे वह तो जाहिल ही है ना, भावे जिन्ना भी पढ़े आवे। वो यार उन्होंने अरबी हो के मुहम्मद की समझ ना आई, बिलाल हबशी हो के यार की समझ आ गई, उन्होंने अरबी हो के यार की समझ नहीं आई, बिलाल हबशी हो के यार की समझ आ गई। अबू जाल कहन लगा तू नबी है, फरमा जी, कहन लगा सच्चा, फरमा सच्चा, कहन लगा जे तू सच्चा भी नबी है ना तो मैं तेनों नहीं मानता, माजर माजर चैलेंज करके मेरे नबी नू कह लगा तू सच्चा नबी है ना ते इंज कर, आज अपने रब ना गल कर सच्चा जो है ते अपने रब नू कह के आज मेरे ते पत्थरां दी बारिश कर दे, अपने रब नू कह मेरे ते अजाब नाज़िल कर दे, कह ना जरा अपने रब नू सच्चा ते करवा ना आज मेरे ते पत्थरां दी बारिश। बहुत बड़ा चैलेंज अबू जहल ने मेरे नबी नू कीता, अल्लाह ने इरशाद फरमाया وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم اللہ نے فرمایا معذاب دینے نہ والے او ایک اندا پتھراں دی بارش کرا تے عذاب نازل کرا فرمایا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم اللہ نے فرمایا کملی والے او بس جا تو مکے وچ اویں تیرے ہندیاں دے پتھراں دی بارش آ सुने आए ते तू वल नहीं पिया वेखदा मैं ते तेरे मुंह वल पिया वेखना एदे वल वेखा ते अज पत्थर बरसा देवा पर जे तेरे होंदिया भी पत्थरां दी बारिश आ जाए तेरी रहमत दी चादर ते दाग लग जाना। तेरे कर्म तो सदके, तेरी रहमतां तो सदके कमली वाले, भाई असि क्यों ना कमली वाले दा मिनाद बनाइए, इन्ने गुनाह करने शकलां नहीं बदलदियां, पत्थरां दी बारिशां नहीं होंदियां, अजाब नहीं पे आंदे, मिलाद मनाओ उस नबी दा, मिलाद मनाओ उस नबी दा, वेख तेरे ते किन्ने कर्म ने तेरे नबी दे, कितने कर्म ने, मेरी मिल्लत दे नौजवानों, मैंने नौजवान आख्या वाक्य जरूर सुनायो, हजरत दहिया कलबी वाला कमली वाले तेरे कर्म तू सदके, प्यो दा मान नबी रखिया, मां दा मान नबी रखिया, बीवी दा मान नबी रखिया, धीआं ते बहना दा मान मेरे नबी रखिया, ओ केड़ा रिश्ता जिहदा मान मेरे रसूल ने नहीं रखिया। सरकार आए ना एक दिन नबी पाक उमरा करन वास्ते मक्के आए ते काफिर आख्या सा मक्के नहीं आउंदे ना, मौला अली नाल गल होई ना जदों मुआहदा होया, उन्हें आख्या तीन दिन मक्के रह सकते, नबी पाक तीन दिन मक्के रहे, उमरा करके निकले, एक छोटी जी बच्ची दौड़ के आके मेरे नबी नूं जफ्फा मार लिया, बच्ची कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरा मक्के कोई नहीं मैनूं नाल लै जाओ, नबी पाक ने गौर कीता ते बच्ची कोई बेगानी नहीं, मेरे नबी दे चाचा अमीर हमजा सरकार हजरत सैयद सैयद शहदा सब तो पहले मौला अली उठ के खड़े हो गए, अर्ज की यार रसूल अल्लाह मैं पालांगा, हजूर ने फरमाया किहड़े रिश्ते ना पालोगे, अर्ज की यार रसूल अल्लाह तुहाडे चाचे की बेटी है ते मेरे भी चाचे की बेटी है, यार रसूल अल्लाह मैनूं दे दे बच्ची मैं पालांगा, हजरत
शकील मौला अली दे छोटे भाई उठ के खलोगे अर्ज कीती यार रसूल अल्लाह बच्ची मेनू दे दे मैं पालांगा फरमाया केड़े रिश्ते नाल अर्ज कीती यार रसूल अल्लाह एक ते मेरे चाचे दी बेटी है दूसरा इस बेटी दी खाला मेरी बीवी है ए ए ए बच्ची मेरे ज्यादा कुर्ब वाली है हजरत उसाम हजरत ज़ैद बिन हारसा उठ के खड़े होगे अर्ज कीती नहीं यार रसूल अल्लाह बच्ची मेनू दियो इनू मैं पालांगा फरमाया केड़े रिश्ते नाल अर्ज कीती जदों तुसा सहाबा नु भाई भाई बनाया ना हजरत अमीर हमजा नु मेरा भाई बनाया ए मेरे भाई दी बेटी ए मेरी भतीजी लगदी ए मेनू दे दियो मैं पालांगा नबी पाक ने फरमाया बेटी हजरत अकील नु दे दियो क्योंकि मां दे बाद खाला दा हक ज्यादा होंदा है ओ लेके बच्ची नु टुरे ना भलवाल वाले मैनू सच्ची दसो जदों मेरा नबी नहीं आया किसी दे घर बेटी आंदी है ना ते ओ उठ के एक कहंदा मेनू दे दे नु मैं मारांगा एक कहंदा मेनू दे दे नु मैं मारांगा एक कहंदा मेनू दे दे नु मैं मारांगा तेरे आउण तो ते मिला तो सदके जावां हुण बच्ची पैदा हुंदी ते कोई कहंदा मेनू दे दे मैं पालांगा कोई कहंदा मैं पालांगा कोई कहंदा मैं शाह जी मैंने जब पढ़िया करना जे कमली वाले ना दर्दां दे मारे की कर दे जे कमली वाले दर्दां दे मारे की कर दे हथ रखदा कौन यतीमां ते हथ रखदा कौन यतीमां ते हथ रखदा कौन माते मिसकीन बचारे की कर दे कमली कमली वाले ना दो दर्दा दे मारे की कर दे कौन है मालिक तेरे मदीने की गली च जा रहे तो सोहना जा नौजवान मिले जिंदा नाम है दहिया कलबीला इतना हसीन है कि अपने चेहरे ते नकाब रख दे कि कोई औरत हुसन वेख के फितने च मुब्तला ना हो जाए शेख हकीक अलामा अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने इतना हसीन है कि औरत दरवाजे पीछे छुप के उधर रास्ता उड़ीक दिया कि कदू गली च गुजरे ते वेख ले 700 अफराद दे कबीले दा सरदार है अपने इलाके दा चौधरी है नंबरदार है अचानक एक दिन मेरे नबी दे सामने आ गया नबी करीम अलैहि सलाम दी दगा उदे चेहरे ते पैना ते हुजूर नु सोहना लगा ओ सुन्नी मामा दे पुत्रो किन्ना कु सोहना होवेगा जेड़ा मेरे नबी नु सोहना लगा होवेगा अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी मौला फरमाया अज तो बाद जदों मेरे माही कोल जावे ते शक्ल दा या कलबी दी लेके जाया करे या अल्लाह क्यों अल्लाह फरमाए यार नु सोहना लगदा है ना ते सानू ओही सोहना लगदा जेड़ा यार नु सोहना ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਬੂ ਲਹਬ ਵਰਗਾ ਗੋਰਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਵਰਗਾ ਹਬਸ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੋ ਦਾਹੀਆ ਬੈਠੇ ਵੇਖਣੇ ਇੱਕ ਦਾਹੀਆ ਕਲਬੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਇੱਧਰ ਜਿਬਰੀਲ ਦਾਹੀਆ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਅੱਛਾ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਜਿਬਰੀਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂਰ ਹੈ ਨਾ पर हजरत दाहिया कलबी बन के आंदा सी ते जिब्रील दाहिया कलबी ते बशर बन के आ जाए ते ओदे नूर च फर्क नहीं पैंदा ते कमली वाला भी नूर होके बशर बन के आ जाए ते ओदे नूर च केड़ा फर्क पै चलेया हजरत दाहिया कलबी मिले मेरे नबी नु सोने लगे रात नु नबी पाक ने सजदे च दुआ कीती अर्ज कीती अल्लाहुम अर्जुक लिसलाम दाहिया कलबी अर्ज कीती या अल्लाह एडा सोना बनाए ते दोजख च साड़न नहीं बनाए ਇੱਕ ਦਰੇ ਦੋਜ਼ਖ ਚ ਨਾ ਸੜ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਗਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੁਬਹ ਦਾਇਆ ਕਲਬੀ ਰੋਂਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਸੈਦ ਆਲਮ ਦੇ ਕਦਮ ਫੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ 700 ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਨਵਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਗਾਉਂ ਹੈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਐਲਾਨ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੀ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਲਮਾ ਤੇ ਪੜ ਲਵਾਂ ਮਗਰ ਗੁਨਾਹ ਇਤਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ
انہیں کلمہ پڑھیا تے پھر روئی جا رہے میرے کریم نے فرمایا ہن کیوں رونا ہے عرض کی دیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میرے کل ایک گناہ اے جدا یاد ہے کہ سونے تیرے رب نے مینوں او نہیں معاف کرنا فرمایا او بھی سنا عرض کی دیا یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سردار ہاں سی پتر پال لینے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دیں تے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے سرکار زارو کی تار روح پہ انج اتھرو جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گرنے جو میرے نبی دے آنسو گے دو جبریل آکے عرض کی دی سونے تسی نہ رو تے اللہ فرما دے نو کہہ دے پچھلے گناہ ماں دی معافی تے آئندہ نہ کری دہیا پھر رو رے فرما معافی مل گی کیوں رونا عرض کی دی سونے ایک گناہ یاد تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی میں دور کسے ہندوستان دے ملک وچ کئی سال لئی تجارت لئی جا رہا تے بی بی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پالمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دینا سید عالم میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے میں گھر دا دروازہ کھڑکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا میں پوچھا تو کون ہے تے بچی پوچھ دیا تو کون ہے اولاداں والے بیٹھے ہوئے نہ تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے تھے کو بھائی بہن چھڑک مار دے نا تے بچی آ کے آکھے نا ابو جی بھائی نے چھڑک ماری تے باپ کا مارو میری دھی نے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے دا پیو ہو جائے جو اس ویلے دھیاں کہندی ربا میرا باپ چوندا اے رب کعبہ دی قسم اے نا تیاں نو پیواں نا دیا اڈی کئی کو وکھریا ہو گیا عید دے دن وی آ جاندا تے ویراں کول کپڑے نہیں منگدیاں ابو نو کہندیاں ابو جی مینوں کپڑے لے دے کیونکہ دھیان پتا ہوں کہ ویر انکار کر لیتے ہیں پر باپ بیٹیاں انکار نہیں کرتے تیہاں دمان باپ ہوں دنے باپ دیا تو مت پوچھنی ہے نا کسی یتیم کو لو پوچھ پوچھ کسی یتیم کو لو باپ کی ہوں کوئی کسی دے بچے نے جھڑک مارے تو بچہ کہتا ہے میں ابو نو دساں گا پر یتیم سارے زمانے دیے جھڑکا کھا کے بھی چپ کر جاندے ہیں کیونکہ انہوں نے ابو نہیں نہ ہوں دا کنو دساں بچی نو اپنے باپ دے خبرے کنے کو مان سن جنے جب باپ وکھے گی جب دائیہ کل بھی پوچھا نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونے میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں گھر دا مالک دے میں ماں میں سے گھر دا مالک دی ارد کی تھی کملی والا میں نے آخیا بچی نہ میری لتان جب سوار لیا رو کے کہنے لگی بابا اتنے ٹر گیا تیری راوا ویختی رہی ہوں میں تینوں واجا مار دی رہی ہوں ارد کی تھی سونے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جوان اج کی تو سونے بچی دی صورت میرے نال مل دی ائی اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آو دل کی تا بیٹی نو سینے نال لگا لواں پھر خیال آیا لوگا اکھنا اے ساڈیاں نو دفن کردا رہیا اے لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نے اگن تیار کر دفن کر آواں کوئی مینو بیٹی دا باپ نہ آکھے ارد کیتی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا ایدی ماں مر جائے گی بڑے جاواں نال پاول دی رہی ہاں ارد کیتی سونے بیوی نو تھکا مارے آؤں بیٹی نو لے کے جنگل مل جا رہے ہوں وہ بیٹی راہ چ میرا منہ چوم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نہ لے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سیں میں تے ڈھیریاں راہ ویکھدی رہی ہاں بابا کھلونے لے کے نہیں آیا ہوں آجا بازار چلنے کھلونے لے دے ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਅਬੂ ਜੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਿਆ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜੇ ਲੈ ਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾਉਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਪਾਪਾ ਆਉਣਗੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅੱਜ ਨਾਨਕੇ ਚੱਲਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਮਦ ਚੋਂ ਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
कमली वालिया जंगल आया बच्ची थोते बिठा के ओरी कबर खोद रहा बच्ची अपने दुपट्टे नाल मेरा पसीना साफ कर दिए मैनू पानी पिला कल कभी बाबा छावे आ जाओ बड़े साल थके आया है अर्ज की सोने मैं बोल दई नहीं कह लगी बाबा आ जा घर चलने अर्ज की सोने मैं कबर खोदा रे आओ जदू कबर तैयार रही पची करीब आई मानो कबर च थका मारे आओ पची दिया चीखा निकल गई मिट्टी पाता रे उन्हें निक निक हाथ जोड़ ले कह लगी बाबा मरी ना मैं ते तेरिया रावा वेखदी रही ते बाबा मरी ना के मेरी सूरत चंगी नहीं लगी कदे सामने नहीं आवांगी बाबा मरी ना मैं खिलौने भी नहीं मंगदी बाबा मरी ना बाबा जोड़े नहीं बाबा मारी नौ मैं नानक भी नहीं जाती अर्ज की सोने अंदर सुनाया मिट्टी पाता आयो बाबा बाबा कर दी रही सुने अज भी रात नू लेटना करना छोड़िया बाबा बाबा दिया बाजा आंदिया ने अर्ज की सोने ने निके निके हाथ जोड़े कह लगी बाबा ये भी नहीं कभी मारी नौ तेरी बेबिया मार जाओ पर मार दस जाओ मेरा कसूर की है अर्ज की सोने मैं मिट्टी पाता रहा कच्ची आखरी वेले आ सुना उन्हें वाल वेख्या कह लगी नीली छत वाले आओ इन्हों बेटिया पैदा ही क्यों करना कदों तक मरदिया रवानिया कह लगी रब्बा तेरा एक नबी आना उन्हें आके बेटियां सीने नाल लाने कह लगी वे आने वाले आ जरा जल्दी आ जाओ मर चलिया नहीं की सोने बची दसने आ गई मेरे आका इना सरकार की दाड़ी मुबारक तरे आ गई सहाबा थोड़ा उमार के रोने आका ने फरमाया दाइया एक बारी फिर उस बेटी की गल सुनाओ जड़ी मुहम्मद आउंदी कहीं कर दी तुर गई दूसरी बारी गल सुनाई तो मेरे नबी फरमाया एक बारी फिर सुनाओ तीन बारी गल सुन के मेरे नबी ने फरमा सुनो जेड़े दिया नाल प्यार नहीं करते मेरे आका फरमा जिन्हों रब दो बेटियां दे एक हदीस फरमा तीन बेटियां दे इमाम तिरमिज़ी फरमा मेरे नबी आखे जिन्हों रब दो बहना दे मेरे नबी ने फरमाया बेटी ते बहन पाल के जवान करके उदी शादी करे फरमा कयामत नु जन्नत च मेरे इतना करीब होवेगा जिवें शहादत दी उंगली ते नाल दी उंगली होंदी है तेरी मिल्लत दे नौजवान हजूर आए ते धीआं ते बहनां दीआं इज्जतां रह गईआं ओ मामा दे कदमां थले जन्नत आ गई बाप जन्नत दा दरवाजा बन गया मैं कहना हर बाप नूं मिलाद मनाना चाहिदा है ओए हर मां नूं मिलाद मनाना चाहिदा है हर उस बेटी नूं मिलाद मनाना चाहिदा है हर घर दी खवातीन नूं मिलाद मनाना चाहिदा है ओ मिलाद रज रज के मनाईए असीं उस रसूल दे एहसानां दा बदला अदा नहीं कर सकदे मैं नूं इंज पड़िया करना वा ए जिस वेले शरीफ ले आया तो कुल आलम दा वाली धीआं नूं वी इज्जतां मिलियां ते भर गए कासे जिस दिन सवेरे ते रब सलाम करदा होर उचा बोलो सुभान अल्लाह बारह रबीउल अव्वल दी रात है ते सोमवार दा दिहाड़ा है रात पे जावे ते दिन पे आ जावे
सैयदा मैंने फरमा दिया ने मैंने इंज लगा जिम्मे बच्चे दे आवन दा वेला हो गया। फरमा दिया मैंने इंज लगा जिम्मे सोने दे आवन दा वेला। अल्लाह चांदा ते यार नु रात अंधेरे च भेज लेंदा, ओ चांदा ते माही दिन दे उजाले च आ जांदा। फरमा सोने तेन उदो ना भेजा जदों दिन भी होवे ते रात भी होवे, दो वेलिया का मिलाप होवे, रात भी मिलाद वाली हो जाए ते दिन भी मिलाद वाला हो जाए। रात नु सुन्नी मिलाद दा जलसा करन तो सुबह उठ के मिलाद दा जलूस निकाल। रात भी मिलाद वाली ते दिन भी मिलाद वाला हो जाए। ग्रामी कदर हजरात सैयदा आमिना फरमा दिया कि उस वेले नबी पाक दे ताजा दी दीवारे काबा बना रहे सन। अचानक आप फरमा दिया मैनू इंज लगा ओ जड़ा नूर पीर दा वेला ने तेरे आवा तू सदके जावा जड़े वेले आया उन्हें भी नूर वाले बना दिता ही। नूर पीर दा वेला आया ते सैयदा आमिना फरमा दिया मैनू इंज लगा सोने दे आउन दा वेला। आप रोन लग पईआं दूसरी कहन लगी मैं फिरौन की बीवी आसिया वा, तीसरी कहन लगी मैं इब्राहिम की बीवी सारा वा, चौथी कहन लगी मैं ईसा की मां मरियम वा। पुछनिया ने किधर आया कहन लगिया नसीबा दनाद करनिया वा, मोहम्मदिया दाया बन के आया। सैयदा आमिना ने ना एक छोटी जी बच्ची बुला के फरमा फोड़ के जा ते इहदे दादा जी नूं बुला के लिया। बच्ची गई ते हजूर दे दादा जी तवाफे काबा करे, कहन लगी बाबा जी जल्दी आयो, उन्होंने बड़ा सोहना पोतरा दिता जे। अच्छा बलवाल वाले बाबा होवे 90 साल दा, पुत्र होवन 10 ते सब तो छोटा होवे अब्दुल्ला, लाडला होवे अब्दुल्ला, सोहना होवे अब्दुल्ला। ओ दुनिया तो टुर जाए 25 साल दी जवानी च, शादी तो 3 महीने बाद, ओदे जावन तो बाद अल्लाह ओदे घर मुहम्मद देवे। ओ दादे नु किन्ने कि चाह चढ़े होणगे, हजूर दे दादा जी दौड़ दे आए दरवाजे चाहे ते फरमाते ने मैं दरवाजा खोल लगा ते इंज लगा जिवें किसी ने मेरे सीने ते धक्का मारे। ते हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते ने धक्के ना मारो, मेरा पुत्र आया मैं वेखन आया। ते हाथ पे गादी तो आवाज ही जम जम वेखिया जे, पर पहले अरशी वेखणगे फिर फरशी वेखणगे। सैयदा आमिना फरमा दिया दूर दे दादा जी अंदर आए ते आके मत्था ते प्यार करके ना फरमा लगे ले आ दिए मेरा पुत्र मेरी गोदी च दे दे। उस वेले सैयदा आमिना कमली वाला चुके दादे दी गोद च रखिया ते मां दी अख च छम छम अथरू। हजूर दे दादा जी रो रहे, फरमा लगे आमिना तेनु रब एडा सोहना पुत्र दिता क्यों रोनी है, दिए क्यों रोनी है। अर्ज कर दिया बाबा मैं अब्दुल्ला दी याद आई, अब्दुल्ला दी याद आई, नदियां बोल चुप नहीं करे दे लख किला शशाए तुर गए यार छोड़ा प्राके जाइए कर दिया बाबा मैं रोनी हूँ मेरा पुत्र जम दिया ये दीन मैं रोनी आया पुया पुछ नया खेगा मैं रोनिया की दस्ती ने ते सोया करेगा इदी उंगली फड़ के टुरेगा कौन दिया मिठिया गला सुनेगा इनो खिलौने कौन लेके देवेगा इनो सेवा कौन करावेगा। नबी करीम दे दादा जी भी रोन लग पे, कमरे दी नुक्कर च आवाज आई आमिना रोना ते अबू अबू नहीं आखेगा, आहद आहद आखेगा, ये
उंगली फड़ के टुरन जी करेगा एदी उंगली दे इशारे ते दरख्तां नूं टोर देवांगा एदा मिठियां गल्लां नूं जी करेगा पत्थरां कोलों कलमे पढ़ा देवांगा एदा खेड नूं जी करेगा चन्न खिडौना बना देवांगा एदा शहर नूं जी करेगा मैं अरशां ते बुला लूंगा। बोलो सारे सुभान अल्लाह। जिन्होंने नबी पाक दी आमद दी खुशी हस के बोले सुभान अल्लाह। सैयदा अमीना फरमा दिया फिर सोना आया फरमा दिया ऐसा नूर चमकिया बैठी मैं मक्के च ते मैनूं ओ मुल्के शाम दे महल नजरी आ रहे या अल्लाह जिहड़ा उच्चा जा सुभान अल्लाह बोले अपनी अम्मी नूं अम्मी जी कह के बुलावे करे हुण जिहड़ा इस तों उच्चा बोले पंज वक्त दा बाद जमात नमाज़ी हो जाए हाथ चुक के जरा इस तो उच्चा बोले आज अपने ते अपने मापिया दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ करा के ला जाए। अर्ज की ओ ओ ओ सेंच पे होंगी हजूर ने फरमाया सिर ते की ले आई अर्ज की यार सुल्लाह मेरा दुपट्टा नहीं से मेरा ते मैं तुहाडा तहमद मुबारक कर ले हजूर ने फरमाया आशा सिर ते तहमद रसूल दा ले आई अल्लाह ने तेरे पर्दे उठा दिते ने ए बारिश वेड़े च नहीं पई होंगी मुल्क शाम च पई होंगी ओ यार अम्मा आशा सिर ते तहमद रसूल दा लैन ते मौलाना रूह फरमांदे ने मदीने बह के शाम वेखन ते मां नबी नु गोद च लै ले ते मक्के बह के शाम वेखे ते मैनूं सच्ची दस जिहड़ा गोद च ते जिहदा तहमद है ओ मदीने बह के बलवा दी मिलाद दी महफिल नहीं वेख सकदा हुण जिन्नू लगदा मैनूं हजूर पे वेखदे ने ओ हथ खड़ा करके मेरा मिलाद पढ़े भाई खड़ो सारे सारे भाई सारे तो सारे मिल के पढ़ी आए दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया आ गया सोना सवेरा इतनी भाई उची बोलो आ गया सोना सवेरा हो गया भैया कमली वाले और सुबह भाई चलती गलियां के फिर फिर पड़ता जावे आ गया सोना सवेरा तो आधी आवाज सुननी सामने नबी पाक दे दीदार दी खैरात मंगनाया ओ बंदा पड़े मेरे नाल तो मिलके पढ़िए आ गया सोना सवेरा हो गया कद जाको मिलाया नूर आ गया सोना सवेरा युखरिजुल मिन ज़ुलुमातिल नूर आ गया सोना सवेरा
ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰਿਬ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮਸ਼ਰਿਕ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਆ ਗਈ ਆ ਸਾਨਾ ਸਵੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰਾ ਪੜੇ ਆ ਗਈ ਆ ਸਾਨਾ ਸਵੇਰਾ सारे अपने हकूक भी मिल गए फराइज भी मिल गए। मैं ते इंज कहांगा हर तरफ बहारां ने हर तरफ उजाले ने हर तरफ बहारां ने हर तरफ उजाले ने दुनिया नू वसा छड़िया मेरे कमली वाले मुबारक आखिरी गल मैं अम्मा हलीमा दी करां ते फिर मैं इजाजत चाहवां। अम्मा हलीमा जदों हजूर नूं घर लैके गईआं ना ते आ फरमांदीआं मेरे कोल सत बकरियां सन। किन्नियां? सारे बोलो भाई कितनियां? सत बकरियां सन ते दूध एक नहीं सी देती। फरमातिया हुजूर आए ते 700 बकरियां हो गई। पहले एक दूध नहीं देती हुण एक इना देती है कि बर्तन मुक जाते ने ते बकरी चो दूध नहीं मुकदा। इमाम इब्ने हिशाम ने लिखा कि आंढ गुआंढ दी औरतां अपने बच्चे नूं मार के कहंदियां वे बकरियां उत्थे चारिया करो जिथे हलीमा दियां चरदियां ने। ते बच्चे रो रो के कहंदे ने अम्मा उत्थे ही चारने आ फर्क इन्ना है तेरिया बकरियां मैं चारना हलीमा दियां बकरियां मुहम्मद चारदा है। बहारां वेखणियां चूरा शरीफ दे ताजदार बैठे ने। अल्लाह ताला ताजदार चूरा शरीफ दा साया साडे सर ते हमेशा सलामत। मेरे हजूर बाबा जी ताजदार चूरा शरीफ दुनिया कब्रो हशर अंदर मेरी जान मेरे ईमान ते मेरे हर चीज दे मालिक और निगहबान हजूर यूसुफ अल मशाइख ताजदार चूरा शरीफ हजरत बाबा जी पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली साहब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी हयात तैयबा तकरीबन 50 साल शब्बेदारी 11 और 12 रबी अव्वल दी दरमियानी रात शुरू की थी। अज जाके वेखो उत्थे लखां दा इजतिमा होवेगा। लाहौर कैबा ने चूरा शरीफ तशरीफ लेके आओ 1163 पौंड दा केक बे औलाद लोगां लई नबी पाक दे मिलाद शरीफ दे मौके ते कटिया जाएगा। अरसे 50 साल तो यह साड़ी रिवायत चूरा शरीफ की जारी हो सारी। मैं यकीनी तौर पर कहना कि अज तक जिन्हें भी केक लैके गया ना उन्होंने अल्लाह ने साहब औलाद जरूर कर दिता है। बाबा जी फरमाते सन केक का कमाल नहीं केक बहाना है। असल वो दरू शरीफ है जो खरबा वारी दरू शरीफ उस केक उत्ते पड़िया जाए न जाने कितने खरबा मरतबा दरू शरीफ उस केक से पड़िया जाए। सरे शाम तो लैके फजर की नमाज तक इंशाल्लाह महाफिल जारी सारी रहेगी। लंगर का इहतमाम बाबा जी चूरा शरीफ का ओ चूरा शरीफ जी मैं शायद पढ़न लगा जी ओ चूरा शरीफ का लंगर के हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह जदों अलीपुर सैयदा तो चूरा शरीफ जाना ते मुरीदा नूं कहना तेरा खाली बोरियां ते तोड़े नाल लेके जायो। उत्थे जाना ते बाबा जी हजूर दा जदों मिलाद उस मुबारक खत्म होना ना ते ओ जिहड़े रोटी दे चूरे चूरे दे चूरे सफां ते बिखरे होने ते मुरीदा नूं फरमाना चूरे इकट्ठे कर लो ते बोरियां भर लो।
ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਲਜਪਾਲ ਮੈਂ ਚੂਰੇ ਦੇ ਚੂਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਲੀਪੁਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਰਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਆਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਕਦੇ ਘਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਦਰਾ ਦਰਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਲੱਗ, ਸੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਗਾਲ ਫਕੀਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਨਨ ਚੰਨਨ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਖੁਦਾਈ ਪੈਰ ਚੁੰਮੀ ਏ ਪਨਨ ਚੰਨਨ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਖੁਦਾਈ ਪੈਰ ਚੁੰਮੀ ਏ ਪਨਨ ਚੰਨਨ ਪੈਰ ਚੁੱਕੀ ਏ ਨਜ਼ਰ ਚੂਰੇ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਅਕਸੀਰ ਵੇਖੀ ਏ ਨਜ਼ਰ ਚੂਰੇ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਅਕਸੀਰ ਵੇਖੀ ਏ। ਅਦਨਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬੁਲਵਾਲਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ।